निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे झारखंड अभिभावक संघ ने सात बार सात गुहार के छठे दिन सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाते हुए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से निजी स्कूल प्रबंधन के शोषण और उनके कार्यकलापों की जानकारी प्रचारित प्रसारित की। अभिभावकों ने भी संघ का साथ देते हुए अपने अपने घरों से प्ले कार्ड के माध्यम से मौन धरना दिया। साथ ही अपनी मांगों को ट्विटर के जरिए सीएम को टैग कर वॉइस अगेंस्ट स्कूल फी ट्वीट और रीट्वीट कर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान वॉइस अगेंस्ट स्कूल फी ट्रस्ट द्वारा अभिभावक हित में चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में निजी स्कूलों के शोषण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। निजी विद्यालय शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद हो, विभागीय पत्रांक 1006 दिनांक 25/6/2020 का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो, ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करना बंद हो, निजी विद्यालयों की मनमर्जी पर नकेल कसें, विद्यालय स्तरीय पारदर्शी शिक्षण शुल्क समिति का गठन सुनिश्चित हो, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को पूर्णतः पारदर्शी तरीके से लागू करने, शिक्षण के अनुपात में ही शिक्षण शुल्क का निर्धारण करने, अभिभावकों का दोहन बंद करने, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन करने के साथ साथ सभी तरह के निजी विद्यालयों का ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने आदि से संबंधित मांग फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर वायरल कराई गई। वहीं संघ के अध्यक्ष अजय राय ने हमसे बात करते हुए बताया कि इस मुहिम के छठ राज्य के हर जिले से हजारों ट्वीट रीट्वीट कर अभिभावकों ने अपनी परेशानियों से सत्ता और विपक्ष को अवगत करा दिया है। अब सातवें और आखिरी दिन बुधवार को झारखंड के राज्यपाल को पोस्टकार्ड भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी। इस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उन्हें बताना चाह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को कि राज्य के मुख्यमंत्री जी थोड़ी इस ओर देखिए, और इसी के तहत राज्य के सभी जिलों से जो अभिभावक हैं, जो कम से कम हजारों की संख्या में अभी तक ट्वीट और रीट्वीट कर चुके हैं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, एचआरडी विभाग है, साथ ही जो अलग अलग सत्ता और विपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबको टैग करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने यही सारा स्लोगन दिया है कि राज्य सरकार कम से कम जो गहरी निद्रा में जो सोई हुई है वो जगे, और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम का जो 2017 है इस एक्ट का पूरी तरह पालन हो, और जिला से लेकर के स्कूल तक इस एक्ट को पालन कराने को लेकर के जितनी जो समितियां बननी है वो समिति बने। और मैं फिर बार बार मुख्यमंत्री से ही आग्रह करूंगा कि इसमें आप हस्तक्षेप करें, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज ये आंदोलन चलाया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि राज्य में जितने भी पीड़ित अभिभावक हैं उनका भरपूर सहयोग हम सबों को प्राप्त हो रहा है, और विश्वास है कि अगर समय रहते राज्य सरकार इस पर इसको पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो ये आंदोलन अब उग्र रूप लेगा, और उसके चलते निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था भी गड़बड़ाएगी। तो समय रहते मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले और अभिभावकों को न्याय दे, और जो स्कूल लगातार इस तरह से प्रताड़ना का खेल खेल रहे हैं उससे उनको मुक्ति दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रार द मेंटल टीवी, रांची।